ध्यान दे लिया करो भाई कभी मेरे ध्यान से। देखो आज फिर उतर गया ध्यान से और वो रह गया रिकॉर्डिंग, अब स्टार्टिंग वाली सारी रह गई। चलो भाई क्या कर सकते हैं, जो नहीं आएगा सर, रिजल्ट वही। DRDO के MTS का मालूम है कब तक होगा एग्जाम? डीआरडीओ एमटीएस बाकी सब तो डिपार्टमेंट ले रहा है एग्जाम, पता नहीं है डीआरडीओ क्या कर रहा है। डीआरडीओ को फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा, उसके पास लोग हैं। डी ट्रिपल एस बी डी ट्रिपल एस बी रैले रेडी रहो भाई, कभी भी बम फूटने वाला है क्योंकि तो डी ट्रिपल एस बी ने एग्जाम शुरू कर दिए हैं फाइनली। साइट खोलते कभी डीएसएसबी की? का सर, एग्जाम हम्म, 2 फरवरी को है एग्जाम एक। बहुत सारे एग्जाम है अब, फरवरी से एग्जाम शुरू हो गए हैं, मार्च तक एग्जाम ही एग्जाम है। और जो वैकेंसी जो थी उनके भी एग्जाम बहुत जल्दी, आपके नोटिफिकेशन आने वाली है एग्जाम की, किस डेट पे आपका एग्जाम होगा। मतलब मैं सितंबर भी नहीं कहूंगा, सितंबर से पहले पहले रेडी हो जाओ सारे। सितंबर भी छोड़ो, मैं कहता हूँ जुलाई से पहले रेडी हो जाओ सारे। एग्जाम है जल्दी आपका, सर DSSB 12th पास से कर लेता है। वो देखो टीचिंग में तो अलग चीज है, मगर हाँ बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जो 12th पास के लिए भी है, ओके सर। तो बहुत सारी निकलती है आपकी, क्लैरिकल निकलती है, बहुत सारी निकलती है वैकेंसी। तो हाँ TGT वाली मार्च तक हो जाएगी? हाँ मार्च में एग्जाम, मार्च तक नहीं होगा, मतलब एग्जाम तो लगा लो जून जुलाई तक होगा, मगर जल्दी TGT होगा। की तो वैकेंसी नहीं आई अभी सर। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आ रही है, 33,331 वैकेंसी आ रही है टोटल, उसके अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी है, और 14 फरवरी से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके सर, तो रेडी रहो भाई जरा। बाकी जो डिले कर रहा है उसको दिक्कत हो रही है, आप लोगों ने जल्दी ज्वाइन कर लिया तो जल्दी कोर्स आपका हो भी जाएगा। बाकी जो दूसरे उसके सारे बैठे हुए हैं कि वो खुलेगा तो वहां पढ़ेंगे बैठ के, तो मुश्किल है, कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे मैं कहाँ क्या बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उनका तो उनकी तो बातें मत करो। नॉलेज आप कॉलेज का बोर्ड ही वहां गायब हो गया है, वहां पता ही नहीं चल रहा है उनकी से चल वो तो चुकी। सर ताला लग गया, फ्रॉड, बंद हो गया है। इतना झूठ और आपको बोल उस बोल टाइम के मैंने फिर। शुरू में समझाया था, और आपको शायद मैंने पर्सनली समझाया था सबको यस सर, कि जाओ और धाबा बोलो, आपको शायद उस टाइम सर पे पता गए भी नहीं। थे, धावा भी बोला था, फिर से उन्होंने वो इतना मतलब अपना करके झूठ बोल के। इन्फ्लुएंस में आप आ गए ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने उस टाइम जिस टाइम हम थे मैंने आपको ये कह दिया था, बता दिया था कि इंस्टीट्यूट खुलेगा नहीं, आपको बहला फुसला कर भेजा जाएगा, मैंने ये बात बोली थी, मगर मेरी बात को शायद झूठ ले लिया आप लोगों ने कि भाई मैं झूठ बोल रहा नहीं हूँ नहीं सर, बिल्कुल कि झूठ नहीं लिया था, गए भी थे हम में से बहुत सारे स्टूडेंट, और बार बार उनको बोला, लड़ाई झगड़े भी हुए, वो तो और उल्टा ये बोल दिया कि आप लोगों को थाने पहुंचा देंगे। बस ऐसे नहीं पूछा सकते थाने, उनकी औकात नहीं है थाने पहुंचाने। सर तो फाइनली ऑनलाइन बता क्लास देता चल हूँ, रही है बस, हाँ ऑनलाइन चल रही सर है, जी ऑनलाइन में ऑनलाइन, भी मूर्ख बना रहे हैं उसमें भी बच्चों का वो अच्छे से। लास्ट फ्लोर पे चल रहा है बस, टॉप फ्लोर तो पे। फाइनली इंस्टीट्यूट पे ताला लग गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, ये फाइनल खबर है बस, आप जितना मर्जी चले जाओ वहां पर। इसलिए इसलिए मैंने वो ग्रुप भी जो आपका DSSB का ग्रुप बना हुआ था वो भी मैंने लीव कर दिया इसी चक्कर में, मैंने छोड़ भाई क्या बताने का फायदा। बना हुआ है ना आपका ग्रुप जिसमें बात चल रही थी, अभी भी शायद नीतीश सर है उस ग्रुप में अभी भी। ओके हाँ तो कुछ नहीं होगा, अभी भी आपको मतलब नीतीश सर बता रहे थे कि बच्चों को ये वो क्या किसी चीज मसाले साले में की बात शॉप खुल क्यों गई वहां पर, तो क्या। मसाले की शॉप खुल गई, पता नहीं किस चीज की शॉप खुली है, मैंने बात भी की थी। मैंने अभी रिसेंटली बन भी पहले बात की थी सर से, तब भी उन्होंने अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया कोई, वही बात घुमा तो वो फिरा नहीं के। देखा 18, वो कह रहे हैं बच्चों को बस रोकने के लिए कह रहे हैं कि हम 18 से खोल देंगे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट है ही नहीं तो खोलेंगे कहाँ से। इंस्टीट्यूट सर है ही रिकॉर्डिंग नहीं, चल रही है चलने सर, दो क्या दिक्कत है हमारी है, तो ये तो हमारी रिकॉर्डिंग है यहाँ, तो ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ये मेरे पास अपनी चल रही है। ये रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगी। 72 सर चलो आंसर रिजनिंग बताओ भी वाली इसका, स्टार्टिंग से वीडियो मिल जाएगी आंसर सर। सर रीजनिंग क्या, का जो पहले क्लास हो चुका उसकी वीडियो पहले मिल वाली भेज दूंगा, जाएगी? हाँ पहले वाली भेज दूंगा, डाली हुई है, बता देना यस मुझे सर, कौन सी। जी सर, चलो क्वेश्चन बताओ, इसमें ये बताओ सीधी लाइन है क्या कोई, सेवेंटी टू कितनी, 72। नंबर,
देखो अगर हम ध्यान से देखें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम यहाँ बनाते हैं 8 + 9/2 तो 4 9 4 36, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी सेम 8 × 9/2 9 4 36, तो 36 और 36 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। मगर एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, क्या कोई सीधी लाइन दिख रही है यहाँ पर जो दोनों को जोड़ रही हो? नहीं। देखो ये मैंने बोला था एक सीधी लाइन होनी चाहिए तो ऊपर से शुरू और नीचे तक आए, तो देखो ये सीधी लाइन, इसे हम सीधी लाइन नहीं कहते, इसका मतलब यहाँ पर और नहीं बनेंगे तो आंसर आएगा 70, ठीक है। मगर अगला क्वेश्चन देखना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उसको गलत करेंगे, देखना जरा, मगर अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो सही भी कर दोगे। लो भी करना जरा क्वेश्चन, देखते कौन इसका सही आंसर देता है। बताओ भाई, 58 58 पक्का 63 63, बहुत बढ़िया, हो सकता है 63। देखो अगर हम इसको करें तो ऊपर से देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7 7 + 8 / 2, 7 4 = 28, तो ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 + 8 / 2, 7 4 = 28, 28 और 28 तो आ गया 56। अब ये बताओ क्या कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर? यस सर। जो दोनों को जोड़ दिया, कौन सी? देखो बीच वाली है, चेक करो, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखना एक बार यहाँ पे खत्म हो रही है, ये लाइन है ना 66। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी अब देखो ट्राइंगल बनेंगे, और कई स्टूडेंट ने क्या करा है जिसने 58 आंसर दिया, मैं बताता हूँ। देखो ये वाली लाइन थी, ये एक ट्राइंगल बना जोड़कर, ये एक ट्राइंगल बना, बस ये जोड़ दिया, मगर आप ध्यान से अगर देखो एक ये बन रहा है इसी लाइन से, 2 3 4 इस तरफ और 5 6 और ये 7, इसका मतलब जोड़े जा रहे हैं तो 56 और 7 आंसर आएगा 63। 58 भी ऑप्शन में होगा, 56 भी ऑप्शन में होगा, 63 भी ऑप्शन में होगा, ध्यान रखना भैया जी। हो गया भाई क्लियर सबको ये? चले आगे। यस सर। अच्छा भाई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पता चला किसी को? यस सर, इजराइल दूतावास के पास ब्लास्ट भी ऐसी जगह की किया जहां कोई आता जाता नहीं है। चलो भाई देखो जरा अगला क्वेश्चन देखना, ये तो हो गया हमारा ये वाला ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल को ना कैसे मैं ऐड करवाऊंगा आगे, जरा देखना क्वेश्चन किस लेवल पे जाने वाला है, जरा देखना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जरा देखना क्या है, ये बताओ मुझे इसमें कितने ट्रायंगल है, कोई बता सकता है? जीरो है ही नहीं। एक भी नहीं, जीरो एक भी नहीं सर। अब बताओ आप कितने हैं? दो 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 देख दो, अब बताओ कितने हैं? आठ 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 आठ, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, 1 2 3 4, चार ही हो गए, 5 बड़े वाला, 6 ये वाला, ऊपर से आ जाओ 7 ये वाला और 8 ये वाला, इसका मतलब 8 है। मगर एक चीज, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा भी चेंज कर दिया गया, मतलब अगर एक दो लाइन और डाल दी गई
तो वहां पर गिनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कभी स्क्वायर में क्वेश्चन आए और आपसे ट्राइंगल गिनने को बोले तो उस केस में क्या करना है, इसकी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर 8 है, इसका मतलब जो भी लास्ट नंबर है उसका डबल आंसर है। तो अगर फॉर्मुला बनाना चाहूं तो इसका बन जाएगा n into 2, मतलब लास्ट नंबर 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। तो मतलब जब भी कभी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल पूछेगा तो उस केस में जो भी लास्ट नंबर होगा उसका डबल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखना आप सेकंडों में आंसर बता दोगे। लो भाई बताना आंसर। 16 16। बहुत बढ़िया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 दुनी कितना हो गया, 8 × 2 = 2 हो गया 16, बस हो गया क्वेश्चन, 16 आंसर आ गया। अब इसमें ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक लाइन भी हटा दी जाए, अगर मैं ये लाइन भी हटा दू ना तो भी आंसर आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 × 14 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। गिनना वैसे ही आपको, नंबरिंग करो और सीधा डबल कर दो उसको। और अभी एनटीपीसी में एक शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन देखा गया था इसके, इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या है, जरा देखना, इजी था बड़ा। ये एनटीपीसी के एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं अभी पेपर, गिनो भाई। 48 सर होगा, 48, हाँ 48 हो सकता है। देखो बीच से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ध्यान से आप बीच से शुरू करो, बीच वाला डब्बा अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 हो जाएगा बीच में। अब अगर ये बड़े वाला डब्बा देखोगे, देखो बड़े वाला डब्बा भी तो बीच से ही बन रहा है, इसका मतलब यहाँ भी तो 16 ही बनेंगे, सेम बड़े वाला डब्बा भी तो सेंटर से ही बन रहा है, यहाँ भी तो 16 ही बनेंगे, और 16 3 48 हो गया। और सोचो जिसको ये पता ही नहीं है ना वो गिनता गिनता पागल हो जाएगा, इसके अंदर गिनना इतना मुश्किल हो जाता है, इसके अंदर स्टूडेंट फंस जाते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन। क्लियर है सबको ये? चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे और बढ़ाया जाएगा, देखना अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बहुत बार, एक अगला क्वेश्चन आता है जरा देखना। अभी आपसे एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसका आंसर बताना देखिए, बताना भी इसका आंसर क्या है, अभी क्या था, 8 8 8 8। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको एक और जोड़ दूं इधर आगे, अब बताओ कितना है, 18 18 18। कैसे देखो, हां 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 और 8 तो 16 हो गए, मगर ये 16 तो ये हो गए। अब आपको क्या देखना है, जोड़ना है दोनों को। तो देखो अगर आप यहां से देखो, ये यहां तक एक लाइन जा रही है, देखो ये सीधा, और यहां से एक लाइन यहां तक जा रही है, ये सीधा, दो लाइन सीधी मिल रही है, इसका मतलब एक ट्राइंगल ये बनेगा मिलाकर, और एक ट्राइंगल ये बनेगा मिलाकर, इसका मतलब 2 और आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं एक और बना दूं आगे, एक सीरीज चलेगी, ध्यान से देखना, अगर मैं एक और बना दूं आगे तो 8 तो ये हो गए, 18 और 8 हो गए 26, और फिर से देखो इस वाले को जोड़ेंगे तो देखो एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी, और एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, 2 आ जाएगा 28। इसका अंदर देखो एक सीरीज चल रही है, पहले में 8 थे, इसके बाद यहां से यहां तक जोड़ा तो 18 हो गए, यहां से यहां तक जोड़ा तो 28 हो गए, इसका मतलब आप जितने भी आगे बनाते जाओगे सब में 10 10 10 10 ऐड होता जाएगा। अब ये नहीं कि यहां से मैंने बोला ये टोटल ये 28 है ना, ये टोटल है यहां से यहां तक, अगर मान लो 3 आता है तो 8 18 28, कभी इन तीनों को भी ऐड कर दो, ऐड नहीं करना, 28 ये टोटल है यहां तक। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीरीज बन जाती है, सब में 10 10 ऐड होता जाता है, पहले 8 आएगा, उसके बाद फिर सब में 10 10 ऐड होता जाएगा, 8 18 28 38 48 58 68, ऐसे चलता रहेगा ये चीज।
ठीक है लिख लो इसको, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दूंगा मैं। तो लिख लिया अभी सबने? यस सर। अब जरा क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ करके देखना जरा कितना आएगा। लो भाई करना जरा। तो 28 29 29 29 29 बहुत बढ़िया। 29 देखो अभी आपको एक सीरीज लिखवाई है, सीरीज तो आपको अभी पता है, तो सीरीज आप लिखोगे तो क्या आएगा, 8 के बाद 18 के बाद 28 10 बढ़ जाता है, इसका मतलब यहां से यहां तक तो 28 हो गए। मगर अब इसको करने का देखो, लाइन अगर सीधी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर डब्बा उल्टा एक नीचे आ गया, तो 28 तो हमारे बनी रहेंगे, तो हमें पता है। अब सुना भाई, आप सबसे पहले ये चेक करो कि डब्बे कितने हैं, तो डब्बे 3 हैं, तो अगर 3 डब्बे हैं तो सबसे पहले आप 2-2 से शुरू करो, क्या 2-2 डब्बों को जोड़ा जा चुका है? जैसे जब हम इसको देखते हैं तो 8 से 18 तभी हुआ था जब ये दोनों जुड़े थे, 18 से 28 तभी हुआ था जब ये दोनों जुड़े थे, तो 2-2 डब्बे जुड़ चुके हैं। अब ये चेक करो क्या तीनों डब्बे जुड़ चुके हैं, क्या ऐसी लाइन कोई आपको दिख रही है जो तीनों के डब्बे में कॉमन आ रही हो, बताना भाई, इसमें इसमें और इसमें है कोई ऐसी लाइन? यस सर है, देखो साइड में ये देखो आ रही है ये लाइन, देखना है तीनों में आ रही है ना ये लाइन, देखो यहाँ से इस ये यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, तो जैसी ये लाइन मिली देखो अब एक ट्राइंगल बनेगा, देखना पड़ेगा तीनों को मिलाकर, तो इसका मतलब ये एक और आ जाएगा और 29 हो गए, और लास्ट 3 ही थे, तीनों में लास्ट 3 बन गया, तो आंसर 29 आएगा। तो ऐसे देखने का तरीका क्या है, आप पहले डब्बे चेक कर लो कितने हैं, डब्बे चेक करने के बाद आप सबसे पहले 2-2 से शुरू करो, क्या 2-2 सब डब्बे सारे जोड़े जा चुके हैं, तो 2-2 आपने जोड़ लिए, फिर उसके बाद 3 डब्बों में चेक करो कि तीनों में कोई लाइन सीधी है क्या नहीं, अगर तीनों में लाइन कोई सीधी है इसका मतलब आपको ट्राइंगल मिलेगा मिलेगा, लिख लो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ये, फिर इसके बाद एक और दूंगा पार्ट। ये थोड़ा सा बड़ा है ट्राइंगल का पार्ट, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ये वाला। क्लियर है भाई सबको, ये चले आगे? यस सर। चलो भाई एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करके देखना और आंसर देखना सही है। लो भाई करना जरा कितने बनेंगे। फोर्टी वन बहुत बढ़िया। देखो सीरीज तो पहचान ही गए होंगे, सीरीज है 8, 18, 28 और 38, तो 38 तो साफ साफ बन रहे हैं। अब इस बार 4 डब्बे हो गए हैं,
इसका मतलब पहले तो दो दो से शुरू करो, क्या दो दो गिन लिए गए? तो देखो भाई, इसको जोड़ा 8 से 18 तभी हुआ था, इसको जोड़ा 18 से 28 तभी हुआ था, इसको जोड़ा 28 से 38 तभी हुआ था, ये दो दो सारे जुड़ चुके हैं। अब सत्यब देखो, तीन 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 मतलब एक दो तीन, पहले ये जोड़ेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये बन गया। और सेम एक दो तीन यहाँ से जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो इसका मतलब दो और आ गए 40 हो गए। तो तीन तीन जुड़ गए, एक दो तीन ये जुड़ गए, एक दो तीन ये जुड़ गए, तीन तीन जुड़ गए। अब डब्बे चार है, अब ये बताओ क्या कोई ऐसा दिख रहा है आपको कि चारों में कॉमन हो, मतलब एक दो तीन चारों में मिला के आता हो? तो चेक करना एक बार, देखो चारों में आ रहा है, देखो सबसे बड़ा वाला, तो इसका मतलब ये एक और आएगा और आंसर आएगा 14। ये क्वेश्चन जो पहले कर लेता है वो एग्जाम में बड़ी इजीली कर लेता है, मगर ये अगर जिसने पहले नहीं किया होता, ये लास्ट वाला ट्रायंगल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे मेन ये लास्ट वाला ट्रायंगल है, क्योंकि अगर देखो ऑप्शन में होगा 38 39 40 41, ऑप्शन में ये होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। हो गया भाई, दो अगला क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट देखना जरा। इस क्वेश्चन को स्टार लगाना नेक्स्ट वाले को। स्टार लगाना है, इंपॉर्टेंट, और ये होमवर्क है आपका, इसको होमवर्क करना। इसके ऑप्शन दे देता हूं, 40 42 44 46। स्टार लगाना, होमवर्क है। 42 होमवर्क है, 44 44।
हाँ भाई आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। हो गया क्वेश्चन? 42 सबका गलत है, दोबारा देखना। 44 है सर। 44 आपको बताया था टोटल चार डब्बे हैं। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या दो दो डब्बे सारे जुड़ चुके हैं। अगर दो दो जुड़ चुके हैं फिर तीन तीन चेक करो और फिर चार चेक करो, तभी हो पाएगा क्वेश्चन, वरना कहीं ना कहीं छूट जाएगा ट्राइंगल ध्यान से। ठीक है, अब देखो भाई अगली को अगला क्वेश्चन देखना क्या बन सकता है इसमें। अब इसमें ट्राइंगल और स्क्वायर को जोड़ा जाएगा, देखना भाई। लो भाई करो। अच्छा, इस संडे को आपकी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है ना? और अब कुछ दिन तक ये हो सकता है, क्योंकि 5-6 तारीख तक मेरी ही क्लास होगी। नीतीश सर का एग्जाम है तो वो जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, उनका एग्जाम है कोई, तो मैं लूंगा आप सारी क्लास अभी के लिए, फिर नीतीश सर आगे क्लास लेंगे। 20 पक्का? शायद। चलो पहले यहाँ देखो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 16 हमें कर चुके। ऊपर ट्राइंगल है कितने हो गए? 3। 16 और 3 कितने हो गए? 19 हो गए ना? हाँ जी। 19 हो गए। अब मैंने आपको इसी से बताया कि वहाँ भी आप अलग अलग काउंट करते हो, जब 16 ये और 3 ये जब आप अलग अलग काउंट कर रहे होते हो, उसके बाद मिलाकर एक ऐसी लाइन ढूंढनी होगी आपको जो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक आती हो। क्या कोई ऐसी लाइन दिख रही है आपको? बताओ भाई। यस सर। ये रही, देखो ये जोड़ रही है दोनों को, ये लाइन ध्यान से देखो, ये इस वाले वाले पार्ट से आ रही है और इस वाले पार्ट तक जा रही है, इसका मतलब ये वाली लाइन है। और ये वाली लाइन आती है, देखो भाई, एक ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल ये बनेगा, इसका मतलब दो ट्राइंगल और आ जाएंगे तो 19 और 2 हो जाएगा 21, तो 21 आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करना है। पहले आपको पहले अलग अलग काउंट कर लो, अलग अलग काउंट करने के बाद सीधी लाइन देखना शुरू कर दो कि सीधी लाइन कहाँ मिल रही है, और जैसे ही सीधी लाइन मिलेगी फिर तो भाई आंसर आपके हाथ में आई। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, तो होमवर्क है आपका। बाकी इसके बाद अभी बचा हुआ है टॉपिक, अभी काफी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास और चलेगी इसकी, मगर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे, कौन कौन सा हो गया हमारा टॉपिक? डायरेक्शन डन हो गया है, रैंकिंग डन हो गया है, दो टॉपिक तो हो गए हमारे, और कौन सा हुआ है? कोई टॉपिक हुआ है क्या? कोई एक अकाउंटिंग फिगर हो ही रहा है, चल रही है तो हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, उसको करना जरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेवल उसका है क्वेश्चन का, तो बना रहा हूं जरा करना एक बार।
ये रहा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ट्रायंगल काउंट करने हैं दोनों में। सर ये एरोप्लेन कैसे बनाना है? अच्छा ये बना नहीं गया, कोई नहीं मैं बनाता हूँ, रुको अभी दोबारा बनाता हूँ इसको, एक मेरे साथ साथ बनाना वरना बनेगा नहीं है। बना लोगे दोबारा? बनाओ इसको, बन जाएगा सर, बन जाएगा सर। बनाओ बनाओ, इसमें हिंट दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में अलग अलग तोड़ लेना, अलग अलग तोड़ के क्वेश्चन को करना है, इसमें क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ लेना, जितना हमने अब तक पढ़ा है वो ये सारा मिक्स है इसके अंदर, अलग अलग तोड़ लोगे क्वेश्चन आपको आंसर आंसर दिख जाएगा इजीली। ये वाला बना लिया भाई सबने? ये वाला यस यस। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी होमवर्क है। ये भाई बना लो, ट्रायंगल गिनने इसमें भी। बना लिया अभी सबने? हाँ भाई बन गया क्या? यस सर। चलो भाई करना फिर इसको होमवर्क है आपका, ये ट्राई करना, हो जाएगा थोड़ा ट्राई करना इसको, ठीक है? बाकी इसको नेक्स्ट में खत्म कर लेंगे हम इस टॉपिक को और नया कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मगर इसमें थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये थोड़े जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सारा इसमें मिक्स है, बाकी नेक्स्ट में ही कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है?
तो चलो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं, जिसने नहीं करा या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बनाते रहना अपना। थैंक यू सर। हो गया भाई, चलो भाई।